क्या दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ कार के एक्सेसरीज के बारे में कि अगर आपको एक्सेसरीज लगवानी है तो कौन सी बेस्ट रहेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके पास एक कार हो और उसमें एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम हो। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको अपनी कार में जो म्यूजिक सिस्टम लगा दोस्तों उसके बारे में दिखाया कि आपको मेरा कैसा म्यूजिक सिस्टम लगाया, और मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप यही लगवाएं। देखिए, जेन्युइन है और लो बजट में है, ऐसा नहीं कि हाई बजट में। देखिए दोस्तों, आप मैं बताऊं तो 50,000 से लाख, 2 लाख, 4 लाख आप जितना पैसा खर्च करोगे इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम आपकी कार में लगेगा। लेकिन अगर आप लो बजट की बात करें और एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो यही है जो मैंने 25 से 30 हज़ार रुपये के बारे में आपको दिखाया है। आप इस वीडियो में आगे देखोगे कौन सा म्यूजिक सिस्टम है। तो छोटे मोटे कुछ और भी एक्सेसरीज हैं दोस्तों, अगर आप वो भी लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं अपनी कार में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी एक्सेसरीज बेस्ट है आपकी कार के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर एक्सेसरीज की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले ध्यान में आता है म्यूजिक सिस्टम। देखिए दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम अगर आपको कोई बढ़िया सा लगवाना है तो मैं यही प्रेफर करूंगा आपको पाइनर का येरा AVH 289 BT, तो आप इसको लगवाएं दोस्तों। इसमें ब्लूटूथ है और इसमें माइक भी आता है इसी के साथ, तो आप आराम से इससे बात भी कर सकते हैं। जब भी आपका कॉल आएगा तो आप यहीं से कॉल पिक कर सकते हैं और यहाँ से कॉल कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आप कॉल कैसे करें। पहले तो इसको ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है साथ में। तो चलिए मैं अपने दोस्त को फ़ोन मिला लेता हूँ, नंबर मुझे याद नहीं तो मैं ऐसे देख के, चलिए 0। इसका टच बहुत अच्छा है दोस्तों। अभी मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, अभी देखिए आप यहीं से ही कॉल जा सकता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा कॉल, ये आ चुका है। चलिए बात भी कर लेते हैं। हेलो, देखिए दोस्तों आपके स्पीकरों में आवाज़ आएगी। हेलो, देखिए दोस्तों आवाज़ आ रही है। ये रहा आपका माइक, तो यहाँ से आपकी वॉइस जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रहा ब्लूटूथ, आप यहाँ से सॉन्ग वगैरह वीडियो सॉन्ग जो होते हैं दोस्तों वो प्ले कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें USB भी है और आपका ऑक्स भी लग जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप पीछे जब भी आप बैक करते हो दोस्तों कार को, तो क्या होता है कि पीछे का व्यू मिल नहीं पाता है। आप जैसे लर्नर होते हो तो देखिए, अगर हम बैक गियर लगाएंगे तो इसमें दोस्तों पीछे का व्यू आपको यहाँ से ऐसे इसमें आ जाएगा। तो पीछे 1500 से 2000 रुपये के बीच में एक कैमरा आएगा। सेंसर भी आते हैं, सेंसर के लिए ये लगा रखा दोस्तों। इसमें आपके सेंसर के जो आवाज़ करता है ये कितना मीटर रह चुका, तो ये है सेंसर और ये है कैमरा आपका, तो आप ये लगवाएं। तो चलिए बात करते हैं इसके म्यूज़िक की। तो इसमें देखते हैं एम्प कौन सा लगाया और बूफर कौन सा लगाया। तो चलिए कुछ गाने वाने सुन लेते दोस्तों, CD। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बूफर दिखा देता हूँ, इसका बूफर अगर हमें साउंड कैसा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे चल के। तो दोस्तों, ये रहा एम्प, ये रहा साउंड बैरियर का एम्प, ये है 4 चैनल का, 6200 वाट्स का है ये। और ये रहा दोस्तों बूफर, ये रहा आपका GTX 1300T, ये रहा दोस्तों 1300 वोल्ट का बूफर है ये। तो चलिए इसका म्यूज़िक सुनते कैसा आता है। ऑसम, काफ़ी अच्छा साउंड है दोस्तों इसका। इससे आप 2 बूफर कनेक्ट कर सकते हैं इस 4 चैनल के एम से। तो दोस्तों, जो मैंने आपको वूफर दिखाया दोस्तों वो है JBL का, तो वो आएगा आपका कम से कम 5000 रुपये का, 4.5 से 5000 रुपये का। एम्प आएगा आपका 4000 रुपये का। और पाइनर का जो ये DVD प्लेयर है दोस्तों ब्लूटूथ वाला, तो ये आएगा आपका कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये का। तो ये आपका कैमरा वैमरा सारा लगा के ये आपका पड़ेगा कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपये का दोस्तों। तो ये एक्सेसरी लो बजट में, अगर अच्छी सी एक्सेसरी लगवाना चाहते हो आप जेन्युइन, तो लो बजट में तो यही आएगा। बाकी हाई बजट में तो आप जितना जाओगे जितना पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा लगेगा।
और दोस्तों आजकल एसी वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम आ रही, गर्मियाँ इतनी हो रही है, एसी वगैरह काम करता नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सनसेट जो होते हैं दोस्तों, जो रेड बत्ती भी मिलते हैं वो तो काफ़ी घटिया क्वालिटी के मिलते हैं, उन्हें तो लगाना मैं सोचता हूँ बेवकूफ़ी है, उन्हें तो लगाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये आते हैं बहुत अच्छे से, देखिए आप, चलिए मैंने सारे ग्लास पर लगवा रखे हैं, आप ऊपर करेंगे तो ये आराम से ऐसे करके इस शीशे के साथ आपके बंद हो जाएंगे, और आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, फिर आप आराम से यहाँ से शीशा ऐसे अपना ग्लास बंद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और दोस्तों दूसरी बात है, ये रहा हमारा आर्म रेस्ट, तो यहाँ आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर 3, आप यहाँ से चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो दोस्तों ये पीछे भी इसका चार्जिंग पॉइंट है, 4 पीछे हैं चार्जिंग पॉइंट। आजकल चार्जिंग की बड़ी दिक्कत होती है, मोबाइल फ़ोन जिसका भी देखो चार्जिंग पे ही लगा रहता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये चार्जर है, ये आएगा आपका 200 से 300 का, अच्छी क्वालिटी का चार्जर है ये भी। तो आप लोकल से कोई एक्सेसरीज ना लगाएं अपनी कार में, तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, लोकल से मत लगवाइए, आप ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों बस यही है, और आप अगर लगवाएं तो बस यही सनसेट लगवाएं आप, ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी कूल टाइप है ये। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ये रही है हमारी लो बजट की एक्सेसरीज जो आप लगवा सकते हैं अपनी कार में अच्छी क्वालिटी की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।